nunca sentar. मैं लावती, जो मैं देख रहा हूँ वो तू देख रही है ना? मैं भी वही देख रही हूँ। मेरा नाम तोताराम, तोताराम, तोता नहीं। ये लीजिए दवा, वक्त पे पी लीजिएगा, याद से। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मेरी बहना, मेरा प्यारा गहना, तू हमें छोड़कर क्यों चली आई? मैं लावती की कसम, जब से तेरी डोली उठी मुझे लगा मेरी अंती क्यों नहीं उठ गई। क्या बताओ, इतना रोए लगा जैसे म्युनिसिपैलिटी का गटर फट गया हो। म्युनिसिपैलिटी का गटर नहीं, पानी का पाइप। अरे एक ही बात है सीधा जी, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रोइए मत तोताराम जी, आप चाहें तो खुशी से हमारे साथ रह सकते हैं। लक्ष्मी, तुम इनको अंदर ले जाओ, मैं जरा कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। धन्य है जीजा जी, जीजा जी धन्य है, जीजा जी धन्य है। जीजा जी तो बड़े सीधे लगते हैं मेरी प्यारी बहना, लेकिन अभी तक ये बंगला जमीन जायदाद सब अपने नाम करवाया कि नहीं? तुम फिक्र मत करो भैया, कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा। पहला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये वसीयत देखी तुमने? ये वसीयत ऐसा क्या हुई इस वसीयत में? अरे मैनावती, इस वसीयत में है मेरी बहना का दुर्भाग्य। हमने तो अपनी बहना की शादी प्रेम बाबू जैसे विदुर से इसलिए रचाई थी ताकि उनकी जायदाद पर अपना हक जमा ले, लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा। प्रेम बाबू निकले बिल्कुल निकम्मे, वो तो सिर्फ इस जायदाद की देखभाल के लिए है, इस पर उनका कोई हक नहीं है। पूरी चुड़ैल निकली राजू की माँ, मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई। हे राम, सत्यानाश हो गया? सत्यानाश नहीं मैनावती, सवा सत्यानाश। उस चुड़ैल ने वसीयत में ये भी लिखवा दिया है कि जब तक राजू की शादी नहीं हो जाती और शादी के बाद राजू की बीवी की रजामंदी नहीं होती, राजू अगर चाहे भी तो जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकता। अरे हमारा तो ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा जो बहना के कोख में पल रहा है? उसे तो उसका हक मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। मेरी कोख के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा, देखना भैया। मैं राजू को अपने बस में इस तरह करूंगी कि आज के बाद वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, जिएगा तो माँ कहेगा और मरेगा तब भी माँ कहेगा। कितने मन गेहूं बेचे मुनीम जी? 16 मन माँ जी। ठीक है, लौटते वक्त वसूली करते आइएगा। जी माँ जी। बेटे तुझे मालूम है ये मुनीम कितना पढ़ा लिखा है? बहुत पढ़ा लिखा है माँ, ये अंग्रेजी भी बोलता है। तो फिर हमारे सामने झुककर हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं वो दूसरों का आदर करते हैं। नहीं बेटा, इसलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और ये पैसा तेरे पिताजी ने खेतों में काम करके कमाया है। लेकिन माँ आदमी पढ़ लिख कर ही तो। नहीं बेटे, मैं तुझे समझाती हूँ, आ मेरे साथ। जी यार। देख जी। सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांधे खड़े हैं। वो जो काले कोट वाला है ना, वो वकील है। वो जो सफारी में है वो तहसीलदार है। बाकी सब भी पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख कर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बेटे। मुझे नौकर नहीं बनना है माँ, मैं मालिक बनूंगा। मालिक बनना है तो खेतों में काम कर, क्योंकि असली खजाना किताबों में नहीं जमीन में छुपा है बेटा। मैं खेत में काम करूंगा। शाबाश बेटा, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? ला मैं फेंक देती हूँ। इसे नहीं माँ, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम कहती तो मैं इसे फाड़ डालता हूँ। देख बेटा, ये हमारी जमीन का वो हिस्सा है जो बरसों से बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ अनाज तो क्या, घास का एक तिनका भी पैदा नहीं हुआ। तुझे अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना होगा। ये क्या कर रही हैं आप? इस नन्ही सी जान पे इतना बड़ा बोझ डाल रही हैं। जिस जगह पे हट्टे कट्टे नौजवान एक घास का तिनका नहीं उगा सके, उस बंजर जमीन को ये बच्चा क्या उपजाऊ बनाएगा?
माँ तो खुश है ना? देख देख कैसे खेत लहरा रहे। अरे ये तो बंजर जमीन थी, अगर तूने कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता। माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने। ये पत्थर भरे हैं। अरे अरे अरे, इतने में थक गए? चकी बैग उठा के ला रहा हूँ। लगता है रमेश भैया हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो मर गया, थक गया। अरे पांडू, ये क्या बीवी के साथ गुजर गुजर कर रहा है? घर में वक्त नहीं मिलता क्या? सामान रख दिया ठीक से? वही तो कर रहा हूँ। Hey, you don't shout on me. आया? आया? आई तो मौक वही तू। ओके। चलो ठीक से टिक्की बंद कर दो, कोई चीज ना रह जाए। समझ गया? नमस्ते दीदी। चल रमेश जल्दी कर, देर हो रही है। ठीक से जाना, मामा। ठीक से, तुम लोगों की बहुत याद आएगी, मेरी याद साथ में ले जाना। हाँ बाय 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 बाय। अरे मैं क्या शैतान हूँ ये मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? अगर आप शैतान होते तो नहीं चिल्लाती, लेकिन नंगे से तो नारायण भी घबरता है। नंगा? तुमने तो कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन आपने कहाँ पहने? घमका ले लो। गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? हटो सामने से, हमें देर हो रही है। हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी, जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई। तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। झूठ बोल रही हो तुम। वो जमीन हमारे पुरखों की है, और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। कमीने, मुझको धमकाता है, तुझसे जो बन पड़ता है कर ले। तू जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। चलो ड्राइवर। गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और अभी तक राजू नहीं आया। माँ, माँ, माँ। कहाँ रह गया था बेटा? माँ, वो चंदू हलवाई से रमेश के लिए बादाम का हलवा बनवा रहा था ना, इसी में देर हो गई। अच्छा। अरे चल रमेश, गाड़ी में बैठ, गाड़ी चल पड़ी। अरे रुक रुक रुक, माँ के बहुत अच्छो जीते रहो। चल 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 चल, ये तो गाड़ी खुल गई। हाँ माँ, चलो। अच्छा बेटा। अरे 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 रमेश, ये हलवा तो मैं तुझे देने ही भूल गया। इसे रोज दूध के साथ खाना, इससे दिमाग बहुत तेज होता है। और देख, ये तेरा आखिरी साल है, खूब मन लगा के पढ़ना। माँ का सपना है कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और ये सपना तुझे पूरा करना है, समझ गया ना रमेश? अपना ख्याल है भैया, तुम जाओ, पहुंचते ही खबर देना। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो, वरना मुझे धमकी देता है हरामजादे। मुझे हरामजादा कहती है तो तू कौन सी देवी है? सारा गाँव जानता है कि तू कितनी नीच और घटिया किस्म की औरत है। हजारों पापी मरते हैं तो तुझ जैसी पापिन पैदा होती है। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को, मेरी माँ को। मेरी माँ को गाली दी, खून भी क्या हुआ? मेरी माँ को गाली देता है, मेरी माँ को गाली देता है। छोड़ूंगा, मेरी कसम छोड़ दे इसे।
अरे ये कोई इंसाफ है? तिवारी अपना हक मांग रहा था तो उसकी जान लेने पर तुल गया। अजी उसे क्या मालूम सही क्या और गलत क्या है, वो तो बस अपनी माँ के प्यार में अंधा है। जाने क्या मंत्र मार रखा है इस कमबख्त ने, बेटा सौतेला है मगर सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है, एकदम पागल बना रखा है। राजू तो खैर सौतेला है, इसने तो अपने पति तक को पागल बनाकर कमरे में बंद कर दिया है।